तो चलिए एक आउटडोर में मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी को सुना देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बोया माइक का रिव्यू देने वाला हूँ। जो भी बोया माइक खरीदना चाहता है इस वीडियो को ज़रूर देखे। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो और आप यूट्यूब पर करियर बनाना चाहते हो और यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करना चाहते हो तो आपके लिए साउंड क्वालिटी मैटर करती है। आपकी साउंड क्वालिटी तगड़ी होनी चाहिए तभी आपका वीडियो वायरल होगा और आपके ऑडियंस को काफ़ी देर तक आपके वीडियो पर ठहराएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बोया माइक एक बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला माइक है। आप इसे खरीद सकते हो बिना कोई सोचे। यह माइक बजट वाला माइक है और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी दे देता है। और अभी जो इस वीडियो को देख रहे हो वो सिर्फ बोया माइक से शूट हो रहा है। मैंने कुछ एडिटिंग नहीं की है, सिर्फ बोया माइक की आपको वॉइस सुनने को मिल रही है। और इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस बोया माइक की आपको सिर्फ साउंड क्वालिटी सुनाऊँगा। अभी आप बोया माइक के साथ तो साउंड क्वालिटी सुन रहे हो, अभी मैं बोया माइक को निकाल देता हूँ तब आपको साउंड क्वालिटी कैसी सुनाई देती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं बोया माइक को निकाल, अभी जो आपको वॉइस मिल रही है वो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से आ रही है, तो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, उतनी कम वॉइस क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैंने इस माइक को कनेक्ट कर दिया है, आपको ज़मीन आसमान का फर्क दिख रहा होगा। अभी हम आउटडोर में देखेंगे कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। आउटडोर में क्या होता है कि काफ़ी सारा एक्सटर्नल नॉइज़ रहता है, इससे क्या होता है कि आपका माइक्रोफोन कैसे काम करता है वह देखना ज़रूरी है। तो चलिए एक आउटडोर में मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी को सुना देता हूँ। तो फाइनल दोस्तों, मुझे एक दिन लगा है आउटडोर वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि कल थी बारिश और बारिश के वजह से मैं आउटडोर वीडियो शूट नहीं कर पाया। और इतनी मेहनत आपके लिए मैं करता हूँ तो सिर्फ आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इस वीडियो को इतनी मेहनत से शूट करने का कुछ तो छोटा सा फल मिल जाता है आपके एक सब्सक्राइब से। फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है कि मेरी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती है। तो अभी बात करते हैं इस बोया माइक की वॉइस क्वालिटी। आपको इस तरह आपको आउटडोर एरिया में इस बोया माइक वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता, आप ही सुन लो इसकी वॉइस क्वालिटी। अभी यहाँ फुल विंड ब्लो हो रही है, फिर भी यह बोया माइक आपको अच्छी क्वालिटी की साउंड दे रहा है। दोस्तों ये जो दिख रहा है ना, ये कंडेंसर है, इसे इधर आप सेल डालने का ऑप्शन मिलता है। सेल यानी एक छोटा सा सेल रहता है, उसे तभी डालें जब आप यह माइक्रोफोन कैमरा के साथ यूज कर रहे हैं। मोबाइल के साथ सेल की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर आपको ऑन ऑफ का बटन भी मिलता है, देख सकते हो उधर। तो दोस्तों अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो बोया माइक की है। अभी मैं इस बोया माइक को प्लग आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके बोया माइक और फ़ोन माइक से कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अभी मैं इसे प्लग आउट कर देता हूँ। प्लग आउट कर दिया है, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, उतना ज़्यादा कम वॉइस देखने को मिल रहा है। तो इसे टाटा बाय बाय। तो दोस्तों इसी टाइप के मेरे चैनल पर टेक्निकल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो हाउ टू वायरल इंस्टाग्राम रील्स इस टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, तो चैनल पर आप ज़रूर चेक कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मास्क पहनो, सैनिटाइजर का यूज़ करो। टेक केयर, बाय बाय।